हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर में आपके तीन पेपर हैं गणित के अंदर। पहला पेपर है रियलाइनालिसिस, दूसरा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस, और तीसरा पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस। And vector calculus. इसमें से मैं सेकेंड पेपर पढ़ाऊंगी आपको, डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे नाम से ही आपको पता है कि इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमेशा, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके डेरिवेटिव्स जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी वो इक्वेशंस जिसके अंदर के डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों वो कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले चैप्टर जो है उसके अंदर कि इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है इक्वेशंस की हमें पता करनी होती है। तो हम ऑर्डर किसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, जितना हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे ये पहले इक्वेशन है, इसके अंदर आपके पास है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू साइन एक्स। सबसे ज़्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसका ऑर्डर हो गया टू, ऑर्डर इज टू। और डिग्री इसकी हो जाएगी एक, क्योंकि सबसे बड़ा जो अपना डेरिवेटिव है जितने ऑर्डर का, सबसे बड़े ऑर्डर का, उसकी जो घात होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ इसके ऊपर पावर कितनी है, एक, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी एक। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, तो इसके अंदर आपके पास है वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसकी पूरी की पावर है फोर बाई थ्री इज इक्वल टू एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमें इसको, ये 4/3 है तो यहाँ पर होल नंबर होना चाहिए कोई भी, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ इसको क्यूब कर देंगे। जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसकी पावर हो जाएगी चार इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी तीन। तो अब यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास टू। और डिग्री जो कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जितनी घात होती है वो इसकी डिग्री कहलाती है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी तीन। तो इस तरह से हम बच्चों इसके ऑर्डर और डिग्री हर इक्वेशन की हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कितने ऑर्डर की है और कितने डिग्री की है, यानी कितने घात की है, ये हम पता कर सकते हैं। इस तरह से आपको निकालने हैं, तो जो एक्सरसाइज है उसको आप करना और उसमें इसको निकालना कि किसकी कितनी घात है और क्या है। फिर उसके बाद आता है, हम सबसे पहले वो इक्वेशंस करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की हो, यानी एक घात की हो। इनको सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहला तरीका कि जिसमें वेरिएबल्स सेपरेबल हों, यानी वेरिएबल्स को हम अलग अलग कर सकें। जैसा कि हम इस इक्वेशन को देखें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर
हम y वाली संख्या इधर ले जा सकते हैं और x वाली इधर ले जा सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो हम इसको हम लिख सकते हैं और 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ समाकलन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। दोनों तरफ समाकल करने पर इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम उसको टेन इनवर्स c के रूप में भी लिख सकते हैं अथवा c भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स c। और आप चाहें तो इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे टेन इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स c, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है 1 माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स डी वाई बराबर 3 प्लस वाई डी एक्स। और अब इनको हम अलग अलग कर लें वेरिएबल्स को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। और उसी तरह से फिर से इसको क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे दोनों तरफ। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, We get, क्या आएगा इससे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log of 3 प्लस वाई इज इक्वल टू log of 1 माइनस एक्स, और माइनस साइन भी आएगा क्योंकि 1 माइनस एक्स इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस log of c। और इसको हम लिख सकते हैं log of 3 प्लस वाई प्लस log of 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू log of c। और इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, log a प्लस log b यानी log of a b यानी 3 प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। और दोनों तरफ से लॉग हटा दें तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी, ये इसका सॉल्यूशन। अगला सवाल है एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसको वैसे तो हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन x प्लस वाई को हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी गेट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इसका हो जाएगा y, और इसका हो जाएगा log of x plus y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ
इंटीग्रेशन, अथवा दूसरे रूप में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ सी, किसी भी तरह से आप लिख सकते हो। अगर इस फॉर्म में लिखते हो तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ सी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। और e रेस टू x माइनस वाई इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस वाई, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये मेथड कहलाता है जबकि हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो व्हेन वेरिएबल्स आर सेपरेबल तब ये मेथड हम काम में लेते हैं। अगला सवाल है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर वाई। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और इस e रेस टू वाई को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा e रेस टू माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू e रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर से दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी गेट, क्या प्राप्त हुआ हमें, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसी प्रकार डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे इधर की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हम इनको वेरिएबल्स को अलग अलग कर सकते हैं, तो y वाली संख्या इधर लाएं, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर से दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी गेट, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स सी, सी भी लिख सकते हो आप और साइन इनवर्स सी भी लिख सकते हो, और साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स। चाहें तो इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा के, यहाँ भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट एक्स कॉस स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स कॉस स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई, और एक्स
एक्स वाला इधर ले के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकेंड, ऐसे यहाँ पर इसको फर्स्ट इसको सेकेंड फंक्शन हमने मान लिया और उससे हम इसको करेंगे। तो इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी गेट फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टेन एक्स माइनस इंटीग्रल साइन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मीन्स वन इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसी तरह से इसमें करेंगे तो वाई टेन वाई माइनस इंटीग्रल वन इंटू टेन वाई डी वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा और ये हो जाएगा x tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x, tan x को आप लिख सकते हो sin x अपॉन cos x dx इज इक्वल टू y tan y माइनस इंटीग्रल साइन वाई अपॉन कॉस वाई डी वाई प्लस सी और एक्स टेन एक्स माइनस इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स लिख सकते इज इक्वल टू वाई, या इसी फॉर्म में लिखना चाहते हो तो माइनस यहाँ ऊपर है तो लॉग ऑफ कॉस एक्स भी लिख सकते हो आप इसको, इज इक्वल टू वाई टेन वाई प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप लोग भी इन सवालों को हल करने की कोशिश करना। पहली एक्सरसाइज में आपको ऑर्डर और डिग्री निकालने और दूसरी में आपके पास इक्वेशंस वो होंगी जो कि सेपरेबल होंगी, तो उन सवालों को आप करना, यही आपका होमवर्क है।